मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज तरंग गति में हम जो व्याख्या करेंगे वह परगामी तरंग का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। परगामी तरंग क्या है? परगामी तरंग वह विक्षोभ है जो नियत वेग से संचरण करता है। ठीक है, जो नियत वेग से संचरण करता है एवं उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पर हमने क्या कहा कि परगामी तरंग वह विक्षोभ है, वह तरंग है जो नियत वेग से संचरण करता है एवं उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? यहाँ पर जो है आपको रूप में कोई चेंज नहीं होता और नियत वेग से यहाँ पर जो है आपको संचरण करते रहता है। अब कहिएगा ऐसा कौन वेग है जो नियत वेग से संचरण करता है उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है? पल्स रेट, हार्ट बीटिंग, ये सब जो उदाहरण हुआ वो परगामी तरंग का हुआ। अब कहिएगा कि ये वेग कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक ये तरंग जो है एग्जिस्ट करेगा? तो यह तरंग जो है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए। जब तक एग्जिस्ट करे तब तक करता रहेगा, ये बात याद रखिए। जब तक जान है तब तक जहान है। तब यहाँ पर जो है यहाँ पर परगामी तरंग का समीकरण आपको बता रहे हैं। परगामी तरंग का समीकरण बता रहे हैं, प्लस ए माइनस ए टी बाई टू टी पी, यहां से यहां तक एक्स, और नियत वेग से कितना जा रहा है? भी से। बिंदु स्रोत वो है जिसके द्वारा परगामी तरंग एक्स अक्ष के घनात्मक दिशा में संचरण कर रहा है नियत वेग भी से। ठीक है, अनदर पॉइंट हम कहां पर माने? अनदर जो है दूसरा बिंदु जो हम माने हैं पी पर। ठीक है, तब आप बताओ कि पहले कण ओ पर कंपन करेगा कि पी पर कंपन करेगा? पहले ओ पर कंपन करेगा कि पहले पी पर? स्टार्ट कहां से तरंग हो रहा है? ओ पर। तो पहले कण जो है ओ पर कंपन करेगा। ठीक है, समझ गए? ओ से पी तक तरंग को आने में जितना समय लगेगा उतना समय बाद जो है वो पी पर करेगा। ठीक है, ये समझ गए? तो ओ से पी तक तरंग को आने में कितना समय लग रहा है? डिस्टेंस कितना है एक्स, और भी क्या है नियत, तो कितना होगा? एक्स बाई भी सेकेंड। ठीक है, एक्स बाई भी सेकेंड पहले वह जो है कहाँ कंपन करेगा? एक्स बाई भी सेकेंड पहले बिंदु ओ पर कंपन करेगा और एक्स बाई भी सेकेंड बाद आपको पी पर करेगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। ओ और पी के बीच में ऐसा नहीं है, ओ और पी के बीच में सैकड़ों कण हैं लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने दूसरा कण कहाँ पर कंसीडर किया है? जिसे कंसीडर किया है वो कहाँ पर किया है? पी पर। ठीक है, तो एक्स बाई भी सेकेंड पहले वो ओ पर करता है और एक्स बाई भी सेकेंड बाद वह पी पर करता है। ठीक है, तो बताइए कला जो है पीछे चलेगा कि आगे चलेगा? पी बिंदु पर कला एक्स बाई भी सेकेंड से पीछे चलेगा क्योंकि तरंग को ओ से पी तक आने में कितना समय लगता है? एक्स बाई भी सेकेंड। लेकिन जो विस्थापन बिंदु ओ पर होगा वही विस्थापन बिंदु पी पर होगा। मतलब यदि ओ पर विस्थापन जो है टी सेकेंड में हो रहा है तो पी पर विस्थापन जो होगा टी माइनस एक्स बाई भी सेकेंड में होगा क्योंकि पीछे चल रहा है एक्स बाई भी सेकेंड। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो विस्थापन टी सेकेंड में बिंदु ओ पर हो रहा है वही विस्थापन पी बिंदु पर टी माइनस एक्स बाई भी सेकेंड में हो रहा है। समझ गए? तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए,
कि फॉर्म में रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तब समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण होगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, ये इक्वेशन हुआ। यह इक्वेशन जो हुआ वो परगामी तरंग का हुआ, समझ गए। यह समीकरण जो हुआ वो परगामी तरंग का हुआ। इस तरह का समीकरण देखिएगा तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी, यह समीकरण परगामी तरंग का है, समझ गए। तो अब यहाँ पर बात को समझिए, तरंग का समीकरण जो है वर्ग में नहीं होता है, स्क्वायर में नहीं होता है, समझ गए। और यहाँ पर जो है ये आप पहचानिएगा कैसे कि सरल आवर्त गति का समीकरण है कि तरंग का समीकरण है। यदि आपको एक्स भी लेमडा समीकरण में एक्स भी लेमडा नहीं रहे, एक्स भी लेमडा नहीं रहे तब वह सरल आवर्त गति का समीकरण है, और एक्स भी लेमडा रहे तो समझना तरंग गति का समीकरण है, समझ गए। इसी फॉर्मूला को हम इस तरह बना सकते हैं, y इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई कैपिटल टी टी माइनस एक्स बाई भी, ठीक है। और y इक्वल टू ए साइन टू पाई कैपिटल टी स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन भी टी, ठीक है। और y इक्वल टू ए साइन टू पाई स्मॉल टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लेमडा, ठीक है। जहां लेमडा इक्वल टू कितना हुआ, भी टी, ठीक है। लेमडा इक्वल टू भी टी हुआ, चूंकि भी इक्वल टू कितना होता है, भी इक्वल टू होता है लेमडा बाई कैपिटल टी, ठीक है। और उसी को लिख सकते हो y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। यही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, याद रखिएगा, बात तो एक है। एक समीकरण आप याद रखिएगा, किसी टाइप से दे एक फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आसानी से बन जाएगा। कोई भी टाइप से इक्वेशन समीकरण देता है इसको इस फॉर्म में कर लीजिएगा, काफी आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो गया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, समझ गए। अब सुनिए, जहां ओमेगा बराबर टू पाई एन, जहां ओमेगा बराबर टू पाई एन तथा k बराबर टू पाई बाई लैम्डा तथा k बराबर तथा के बराबर टू पाई बाई लेमडा तथा के बराबर टू पाई बाई लेमडा, इसे हम क्या कहते हैं, तरंग संख्या, समझ गए। ओमेगा टू पाई एन हुआ और के बराबर टू पाई बाई लेमडा, इसको क्या कहते हैं, तरंग संख्या। अब सुनिए, शॉर्टकट बताते हैं, अगर तरंग वेग निकालना है, तरंग वेग आपको ज्ञात करना है तो सीधे लगा दीजिए भी बराबर कितना, ओमेगा बाई के, क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपको तरंग वेग ज्ञात करना है, यदि तरंग वेग ज्ञात करना है तो सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए भी इक्वल टू कितना, ओमेगा बाई के, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यदि परगामी तरंग, यदि परगामी तरंग x अक्ष के ऋणात्मक दिशा में संचरित होता है, तब y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू हुआ ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, समझ गए। यह हुआ वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर लिखा है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यदि लिखा हुआ है
वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो उसका दिशा अगर आपको जानना है तो उसकी दिशा होगा धनात्मक एक्स अक्ष में, और यदि लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यदि लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसकी दिशा जो होगा वो दिशा किधर होगा, ऋणात्मक में, ऋणात्मक दिशा में, एक्स अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए एक और कंसेप्ट दे रहे हैं, मान लीजिए लिखा रहे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तथा वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, या लिखा रहे वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो बात को समझिए, ये भी इक्वेशन लिखा रहे तो न्यूमेरिकल उसी तरह बनेगा, ये भी समीकरण लिखा रहे तो इक्वेशन न्यूमेरिकल उसी तरह बनेगा, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका एक आएगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, प्रश्न है कि दोनों में अंतर क्या है, समझ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, दूसरा है y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये दोनों में अंतर यही है कि दोनों जो है परगामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, दोनों जो है परगामी तरंग के समीकरण को क्या करता है, दोनों परगामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, लेकिन दोनों के बीच का कलांतर, दोनों के बीच का कलांतर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, दोनों परगामी तरंग के समीकरण को, दोनों परगामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, लेकिन दोनों के बीच का कलांतर 180 डिग्री अर्थात पाई होता है, समझ गए। देखिए यहाँ पर जो है दो महत्वपूर्ण सूत्र, एक है डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, एक है डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यदि डेल फाई इक्वल टू टू पाई, यदि डेल फाई इक्वल टू टू पाई तब डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है लेमडा, यदि डेल फाई इक्वल टू टू पाई तब डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होता है लेमडा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कलांतर जो है, कहने का तात्पर्य यह है यदि कलांतर टू पाई से परिवर्तित होता है, यदि कलांतर टू पाई से परिवर्तित होता है तो पठांतर जो है कितना से चेंज करता है, पठांतर किसके बराबर होता है, पठांतर जो है लेमडा के बराबर होता है, समझ गए। तो इसको क्या कह सकते हैं, डेल फाई को क्या कहेंगे, कलांतर, कलांतर बराबर टू पाई बाई लेमडा इंटू पठांतर, ठीक है। दूसरा है डेल फाई बराबर टू पाई बाई कैपिटल टी गुने डेल्टा टी, ठीक है, समझ गए। दूसरा इक्वेशन है, दूसरा रिलेशन जो है, संबंध है वो याद रखिएगा, डेल फाई इक्वल टू कितना, दूसरा संबंध जो है वो याद रखिएगा, डेल फाई इक्वल टू, डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी, मतलब कलांतर, कलांतर बराबर टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू समयांतर, कलांतर बराबर, कलांतर बराबर टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू समयांतर, ठीक है, कलांतर बराबर टू पाई बाई कैपिटल टी इंटू समयांतर, क्लियर हो गया। इसका इससे कंसेप्ट क्या मिला, इससे कंसेप्ट मिला कि अगर यदि डेल्टा फाई का मान टू पाई है, इससे कंसेप्ट मिला कि यदि डेल्टा फाई का मान टू पाई है तो डेल्टा टी कितना होगा, कैपिटल टी के बराबर, डेल्टा फाई टू पाई के बराबर है, डेल फाई टू पाई के बराबर है तो डेल टी जो होगा वो कैपिटल टी के बराबर होगा, समझ गए। ये बात को दिमाग में बैठा लीजिए, मतलब एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में कलांतर जो है कितना से परिवर्तित होता है, टू पाई से, समझ गए, ये क्लियर। अब इस पर आधारित आंकिक प्रश्न, मान लीजिए प्रश्न एक है,
प्रश्न वन लिखा हुआ है, यदि y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन टू पाई एफ टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, y इज इक्वल टू वाई नॉट साइन टू पाई एफ टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा तथा कण का महत्तम वेग तथा कण का महत्तम वेग तरंग वेग का 4 गुना है, तब तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। क्या दिया गया है, यदि y बराबर y नॉट साइन टू पाई, यदि y बराबर y नॉट साइन टू पाई एफ टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा समीकरण दिया गया है, तब कण का महत्तम वेग तरंग वेग का 4 गुना है, तब तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें, इससे तरंग दैर्ध्य निकालना है। अब सुनिए, यहां पर कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, आयाम के जगह कितना है, आयाम के जगह y नॉट है, ठीक है, और आवृत्ति के जगह कितना है, आयाम के जगह y नॉट है, आवृत्ति की जगह कितना है स्मॉल f है। तब देखिए हल क्या लिखेंगे, v max बराबर कितना 4v, ठीक है, v max बराबर 4v, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। v max क्या हो गया, कण का महत्तम वेग, और v क्या हो गया, तरंग वेग, तो v max बराबर 4v। v max होता कितने के बराबर है, v max जो बराबर होता है a ओमेगा के, तो ए के जगह क्या लिख देंगे, वाई नॉट ओमेगा बराबर 4, भी का मान क्या होता है एन लैम्डा, तो क्या लिख देंगे एफ लैम्डा, ठीक है, वाई नॉट और एफ का ओमेगा का वैल्यू 2πn होता है, तो 2πf लिख देंगे 4 एफ लैम्डा, ठीक है, एफ एफ कैंसिल, इसे कट गया 2 हो गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आया, लैम्डा का वैल्यू आ गया वाई नॉट पाई बाई 2। लेमडा का जो मान आया, लेमडा का मान जो आया वो कितना आया, लेमडा का मान आया वाई नॉट पाई बाई 2। समझ गए, क्लियर कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है लेमडा का जो मान होगा वो कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू वाई नॉट पाई बाई 2। एक दूसरा प्रश्न है, यदि दो तरंगों के बीच का कलांतर 60 डिग्री है, आवृत्ति 500 हर्ज है एवं वेग 360 मीटर पर सेकेंड है, तब पठांतर ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिए, यदि दो तरंगों के बीच का कलांतर, कितना है, यदि दो तरंगों के बीच का कलांतर 60 डिग्री है, ठीक है, यदि दो तरंगों के बीच का कलांतर 60 डिग्री है, आवृत्ति जो है 500 हर्ज है तथा वेग 360 मीटर पर सेकेंड है, तब पठांतर ज्ञात करें, ठीक है। अब सुनिए फॉर्मूला क्या लगेगा कलांतर पठांतर वाला, तो डेल फाई इज इक्वल टू कितना, डेल फाई इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल फाई इज इक्वल टू 2π बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर कलांतर किसमें दिया गया है, डिग्री में, तो डिग्री में दिया है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन में, ये बात याद रखिए, कहीं भी आपको डिग्री में दिया रहे उसको रेडियन में आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तभी हल होगा। तो यहाँ पर जो है डेल फाई कितना है, डेल फाई जो है 60 डिग्री है, रेडियन में चेंज करेंगे, रेडियन में परिवर्तित करेंगे तो कितना आएगा, पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 होगा,
तो यहाँ पर जो है डेल फाई का मान क्या रख दिए, डेल फाई का वैल्यू रख दिए पाई बाई थ्री इजकल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पर पाई बाई कैंसिल, डेल्टा एक्स इजकल टू कितना हुआ, डेल्टा एक्स इजकल टू लेमडा बाई कितना सिक्स, बराबर लेमडा का मान कितना होता है, लेमडा बराबर वी बाई एन, तो वी कितना है 360 और ये जो है 6 और ये कितना आएगा 500। ठीक है, ये कट गया और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, तो कितना आ गया 6 अपॉन कितना आया 50 मीटर आया, 6 अपॉन 50 मीटर आ गया। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, 6 अपॉन कितना 50 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये कट गया इससे 2 हो गया, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, समझ गए, आपका आंसर जो आया, आपका उत्तर जो आया वो कितना आया 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, एकदम कंफ्यूज मत कीजिएगा। यदि कलांतर दिया है, पठांतर निकालना है, सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स दिया है डेल्टा फाई निकालना है तभी ये फॉर्मूला, डेल्टा फाई दिया है डेल्टा एक्स निकालना है तभी ये फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्पष्ट। दूसरा जो है वह है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, देखिए तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इस पर देखिए इसके अंतर्गत आपको तीन तरंग पढ़ना है, यह बात याद रखिए, इसके अंतर्गत आपको तीन तरंग पढ़ना है। तो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, जब किसी निकाय को विभिन्न तरीके से विक्षोभित किया जाता है, ठीक है, जब किसी निकाय को विभिन्न तरीके से विक्षोभित किया जाता है तब प्रत्येक क्षण या प्रत्येक बिंदु पर जो तरंग का परिणामी विस्थापन होगा, प्रत्येक बिंदु पर, कोई जरूरी नहीं है कि एक बिंदु पर, यहां 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 कहीं भी, प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक क्षण में, कोई भी क्षण में जो तरंगों का परिणामी विस्थापन होगा वह विभिन्न तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा, समझ गए, विभिन्न तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होगा। क्लियर हो गया, क्या कहा, यदि किसी निकाय को विभिन्न तरीके से विक्षोभित किया जाता है तब प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक क्षण में जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा वो विभिन्न तरंगों के विस्थापन के सदिश योगफल के बराबर होगा, समझ गए। इसके अंतर्गत आपको तीन तरंग पढ़ना है, इसके अंतर्गत आपको तीन तरंग पढ़ना है, एक है तरंग का व्यतिकरण, एक है तरंग का व्यतिकरण, ठीक है, दूसरा है अपरगामी तरंग और तीसरा है विस्पंद, और तीसरा क्या है, विस्पंद है, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन तरंग पढ़ना है, पहला पढ़ना है तरंग का व्यतिकरण, दूसरा पढ़ना है अपरगामी तरंग और तीसरा क्या है, विस्पंद, ठीक है। फर्स्ट है तरंग का व्यतिकरण, तरंग का व्यतिकरण क्या है, देखिए यदि दो तरंगें समान आवृत्ति
ठीक है, यदि दो तरंगे समान आवृत्ति एक ही दिशा में संचरित होकर के जब अध्यारोपित होती है तब परिणामी तरंग को तरंग का व्यतिकरण कहते हैं, तब परिणामी तरंग को तरंग का व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए? जिस बिंदु पर तीव्रता महत्तम होती है, जिस बिंदु पर तीव्रता महत्तम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिस बिंदु पर तीव्रता महत्तम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है, एवं जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। जिस बिंदु पर तीव्रता, ठीक है, जिस बिंदु पर तीव्रता महत्तम होती है उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए का ए का इक्वेशन क्या है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी तथा y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहां फाई क्या है, कलांतर, नियत कलांतर, यहां फाई जो है नियत कलांतर है। ठीक है, यहां पर जो है जो परिणामी विस्थापन होगा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये परिणामी विस्थापन होगा मतलब व्यतिकरण का समीकरण होगा। ये क्या है, आयाम है, परिणामी आयाम जो होगा ये बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। समझ गए? परिणामी तीव्रता आई बराबर, सुन लीजिए, तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, तीव्रता जो होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती, तो परिणामी तीव्रता आई इसका लू कितना हुआ, i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 अंडर रूट i2 इंटू कॉस फाई। डायरेक्ट तीव्रता पर दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आयाम पर दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि तरंग का व्यतिकरण दो तरह का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण जहाँ आयाम महत्तम है, जहाँ पर तीव्रता महत्तम है, तो आयाम या तीव्रता महत्तम कब होगा, जहाँ फाई क्या होगा, जीरो। जब फाई जीरो होगा तो सीधे याद रखिए कलांतर, जनरल कलांतर संपोषी के लिए डेल फाई बराबर 2πn, दिमाग बैठा लीजिए, संपोषी के लिए डेल फाई बराबर 2πn, जहाँ n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 .. ठीक है। पठांतर, अभी फॉर्मूला बताए हैं, पठांतर तो कलांतर बराबर 2πlmdn टू पठांतर, तो पठांतर संपोषी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर एल लैम्डा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां भैया जहां एन जो है 1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब सुनिए, ये तो हो गया आपका संपोषी व्यतिकरण का, और दूसरा क्या है, दो ही बातें होती है, दूसरा क्या है, विनाशी, जहां पर कम तीव्रता होगी। विनाशी कब होगा, विनाशी तब होगा जब फाई का मान माइनस, कॉस फाई का मान -1 होगा, कॉस फाई का मान -1 होगा तब विनाशी होगा। कॉस फाई का मान -1 कब होगा, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π इस पर। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर सीधे क्या लिख सकते हैं, 2n+1 × π, ठीक है। विनाशी व्यतिकरण के लिख सकते हैं 2n+1 × π, जहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 .. ठीक है। और तथा पठांतर लेंगे तो विनाशी व्यतिकरण का पठांतर जो होगा डेल्टा एक्स 2n+1 × λ/2, समझ गए, 2n+1 × λ/2, जहां n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो तीन प्रकार का अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित तीन तरंगे होते हैं, जिसमें पहला जो हमने बताया वो तरंग का व्यतिकरण बताया। तरंग के व्यतिकरण के बाद आपके, ये जहाँ तक ध्वनि तरंग में बात है,
तरंग का व्यतिकरण प्रकाशकीय में, प्रकाशकीय तरंग में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, लेकिन जहाँ तक ध्वनि तरंग का की बात है, जहाँ तक ध्वनि तरंग की बात है, इसमें अपरगामी तरंग एवं विस्पंद जो दो तरंगे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।